खुदा बाप बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। आज का उन्वान है मोहम्मद का असली बाप कौन था। मोहम्मद का असली बाप या मोहम्मद का जो खसूसी बाप था वो कौन था। ये लेक्चर मैंने जानबूझ के थोड़ा सा पीछे किया हुआ था ताकि कुछ ना कुछ लोग शुष्दर हो जाएं कि उस वक्त क्यों नहीं बयान किया। मेरे इल्म में था, सिर्फ जानने के लिए कि कोई जवाब देता है कि नहीं। सब पे ऊपर खामोशी तारी हो गई और ताले लग गए। अब मुझे बताना ही पड़ गया कि मोहम्मद का बाप कौन था। मैंने माजी में अपने बयानात में जो लेक्चर दिए थे कि मोहम्मद किसका बेटा था, मैंने उसमें बताया था कि जो इस्लामी मुहद्दिसीन हैं, मुस्लिम मुहद्दिसीन हैं, वो इस चीज के ऊपर सारे मशकूक हैं, शक रखते हैं कि मोहम्मद की पैदाइश कब, कहां, किससे हुई। We have been told that the Prophet was born on the 12th of Rabi'ul Awwal, and this is the commonly known date. Yet the fact of the matter is that our early historical textbooks mention a number of dates, and there is no unanimous agreed upon decision regarding the date of the Prophet ﷺ's birth. Kyunki Abdullah ki shaadi jo Muhammad ki maa Amina se thi, Abdullah to jaldi is duniya se rukhsat ho gaya apni shaadi ke baad. और मोहम्मद चौथे साल जाके पैदा होता है। इब्ने हिशाम को पढ़ें, अल हलाबी को पढ़ें, इब्ने इसहाक को पढ़ें, बहुत कुछ और मटेरियल जो मैंने बयान किया हुआ है आपको, आपके लिए वो पढ़ना लाजमी है। चौथे साल वाला मसला जो है, तो मैंने उस वक्त एक उस मन में एक सवाल रखा था कि आमना का खामंद कौन था चौथे साल, बताओ हमें मुसलमानों। मैं आज तक खामोश रहा कि शायद को बताए, शायद को बताए, सब के मुंह पे ताले लगे हुए थे, सब खामोशी का शिकार थे। अब मुझे बताना ही पड़ गया कि मोहम्मद का बाप कौन था, और वो मैं अपनी तरफ से बयान नहीं कर रहा कि मोहम्मद का बाप कौन था। ख्याल रहे कि मैंने यह भी बयान किया था कि आमिना ने मोहम्मद को पैदाइश के फौरी बाद नुकरानी के हवाले कर दिया, हलीमा के जो आया थी, नुकरानी थी, काम करने वाली थी, ताकि राज रहे, राज फाश ना हो जाए, लोग मोहम्मद को जान ना जाएं कि वो आमना का बेटा है। बचपन में किसी को पता ना लगे, हलीमा लेके उसको वहां से चली गई आमना से। ये हैरानगी की बात है कि कोई मां बगैर बच्चे के रह सके, पहला बच्चा उसका, वो भी हलीमा के हवाले कर दिया। कैसी औरत थी वो जो बच्चे के बगैर खुद रहती थी, सिर्फ इस बात से डर रखती हो कि कहीं मेरा राज फाश ना हो जाए कि बच्चा कहां से आया, इसका बाप कौन है। तो बाप को छुपाने के लिए हलीमा ने मोहम्मद को, आमना ने जो मोहम्मद की मां थी, मोहम्मद को हलीमा के हवाला कर दिया, नुकरानी के हवाले कर दिया। और एक और जो इसमें लॉजिक की बात आती है, मंतक की बात आती है कि आठ औरतों ने दूध पिलाया मोहम्मद को, मगर क्यों,
एक क्यों नहीं, ज्यादा से ज्यादा दो हो जाती, आठ क्यों? वजह यह है मंतक, फलसफा मंतक, कि औरतों का जैसे ही पता लगता था कि यह तो हरामी बच्चा है तो उनके दिल में अपनी बात ये आ जाती थी, ये मंतक की बात है कि हम अपना दूध क्यों पिलाएं इस हरामी बच्चे को। तो औरतें चेंज होती रही, बदलती रही और नफरी आठ तक पहुंच गई, क्योंकि कोई भी उसको ज्यादा वक्त तक तैयार नहीं थे दूध पिलाने के लिए। जैसे ही पता लगता था, किसका तो बाप का ही पता नहीं है, अता पता ही कौन है, सिर मुंह ही नहीं, कौन है कौन नहीं है, तो अपने ही इज्जत बचाने की खातर कि मैं किस बच्चे को दूध पिला रही हूं जिसके बाप का ही पता नहीं है। तो औरतें बदलती गई, आठ औरतें, मजाक नहीं है, ये सीरियस मामला है। पहले मैंने कहा कि मुसन्निफीन जो हैं वो मशकूक हैं, वो आपस में इख्तलाफ रखते हैं मोहम्मद की पैदाइश के ऊपर, कौन बाप है, कहां पैदा हुआ, क्या क्या चक्कर है, मां ने बचपन में ही उसको अपने से जुदा कर दिया, बड़ी ये खास बात है। आठ औरतों का दूध पिलाना खास बात है। बिलाखर मोहम्मद को यह बात बतानी पड़ी कि उसका बाप कौन है। बिलाखर मोहम्मद को बताना पड़ा कि उसका बाप कौन है, क्योंकि उससे पहले एक और शख्स को भी गर्दाना गया, अबू कबाशा को, कि वो मोहम्मद का बाप है। ये अबू सुफियान ने झूठ बुतला लगाया था मोहम्मद के ऊपर, या पढ़ेंगे जाके डॉक्टर डॉक्टर साहब का ये जो 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 कुरान है आपके सामने, इसको मैं रखता हूं, डॉक्टर मोहम्मद मोसन, इसके सफा 92 पे जो आखिरी दो लाइनें हैं वहां पे जिक्र है अबू कबाशा का कि वो मोहम्मद का बाप था, लेकिन बाद में तस्ही हो गई कि उसने अबू सुफियान ने ये मजाक किया था, तंज की थी मोहम्मद के ऊपर। ये बात काबिले कबूल हो सकती है मंतक और फलसफे के तहत कि आमना ने डर पर्दा मोहम्मद को बता दिया होगा कि तुम्हारा बाप कौन है। आमना ने मोहम्मद को डर पर्दा ये बता दिया होगा, कान में बात डाल दी होगी, तुम्हारा बाप कौन है। वजह, जब मोहम्मद ने इकरार ही कर लिया खुद ही कि उसका बाप कौन है, तो मंतक फलसफा पूरा हो जाता है कि मां ही ने बताया होगा। कैसे साबित होता है ये? तीन हवाला जात हैं, दो बुखारी में से डॉक्टर मोहम्मद मोसर खां की, चौथा वालियम उसकी 2864 और 2874, ये साबित करती हैं मोहम्मद ने, जो इसका इंग्लिश वर्जन है उसमें मोहम्मद ने कसम खा के कहा है। कैसे? कसम खा के कि मैं नबी हूं और मैं अब्दुल मुतलब का बेटा हूं। ये नहीं कहा मैं अपने दादे अब्दुल मुतलब का बेटा हूं, उसका नाम लेके कहा है मैं अब्दुल मुतलब का बेटा हूं, और इंग्लिश में है आई एम दी
son of Abdul Muttalib. Volume 4, Hadith number 2864 और 2874. I am the, ये जो the का लफ्ज है, ये इसको पर फोकस करना, जोर देना, एम्फेसिस इसके ऊपर है. आई एम the son of. उर्दू में जो मेरे पास है वो है मिश्कात वॉल्यूम 2 उर्दू में. और क्योंकि उर्दू में अभी मैं लेक्चर दे रहा हूं तो मैं इसको पढ़ना पसंद करूंगा. हजरत ब्रा बिन आज़िब ने अल्लाह ताला अन्हों से गजवा हुनैन के रोज फरमाया कि हजरत अबू सुफियान बिन हारिस ने रसूल अल्लाह के खच्चर की लगाम थामी हुई थी जब मुशरकीन ने आपको नरगे में ले लिया. ये ज्यादा क्लियर इंग्लिश से. जब मुशरकीन ने आपको नरगे में ले लिया, फंस गया मोहम्मद. इंग्लिश वाला इतना क्लियर नहीं है, उर्दू वाला क्लियर है. जब मुशरकीन ने आपको नरगे में ले लिया, मोहम्मद फंस गया, कहीं निकल नहीं सकता. और किधर मुंडा है, किधर पुत्र है, तेरा प्यो कौन है, उधर ना किए, नरगे में आ गया हुआ. मुशरकीन जो है वो उसको पूछ रहे हैं. तो आप नीचे तो आए और फरमाने लगे नबी मैं हूं, ये झूठ नहीं, मैं ही अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं. ये जो ही का लफ्ज है, इंग्लिश में दी, उर्दू में ही. ये नहीं कहा मैं ही अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूं, ये नहीं कहा. कहना चाहिए था, क्लियर करना चाहिए था. क्या हर्ज है उसमें, क्यों क्लियर नहीं किया? पोता होता तो क्लियर करता, वो तो बेटा है. लिखा है जब मुशरकीन ने आपको नरगे में ले लिया. ये इसको याद करिए, उर्दू वाले जो ये ज्यादा बेहतर है इंग्लिश से. तो आप नीचे उतर आए और फरमाने लगे हां भी की गल है जवानों, तुसी क्यों नरगे में ले आया है, क्यों नरगे मुझे ले लिया है, नरगे में मुझे क्यों लिया, मेरे ऊपर क्यों इर्द गिर्द जमा क्यों हो गई हो, क्यों शक के मेरे ऊपर करते हो तुम, शक की गुंजा. मैं आपको सच बताता हूं, सच क्या है, सच ये है नबी मैं हूं, झूठ नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता. क्या मैं ही अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, बेटा हूं, बेटा हूं, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं. पोता नहीं कहा, पोता नहीं कहा, पोता नहीं कहा. दादा भी नहीं कहा, दादा भी नहीं कहा, दादा भी नहीं कहा. क्या हर्ज से दादा कहने में, वो तो ज्यादा क्लियर होता अगर दादा होता तो. अगर मोहम्मद पोता होता तो पोता कहना चाहिए, तो वो ज्यादा क्लियर था. क्यों नहीं कहा? हाँ जी, वो बड़ी इज्जत के. सच सच बात कहो. वो कह रहा है मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ही मैं ही अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं. ये मोहम्मद के अपने इकरारनामा है, उसकी अपने अपने लफ्ज हैं, मुंह के अपने लफ्ज है बोले हुए, उसकी अपनी पेशकश है. ये उसके ऊपर किसी का जोर नहीं है, वो क्लैरिफाई कर रहा है ताकि जमाने में पता लग जाए कि वो शक जो बचपन से अब तक मेरे ऊपर हो रहा था कि मेरा बाप कौन है, आज मैं उसको साफ करता हूं, झूठ नहीं बोलता कि मैं ही अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं. ये सच है क्योंकि मोहम्मद के अपने अल्फाज है, उसका अपना इकरारनामा है, उसके अपने स्टेटमेंट है. ये किसी दूसरे के नहीं. क्या आप इसको झूठ कहेंगे? कहते रहे, किताबें सच बोल रही हैं, हवाले सच बोल रहे हैं. मिश्कात उर्दू वॉल्यूम 2, दूसरा वॉल्यूम 46-76.
मैं ही अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। कहां भागेंगे आप कहां भागेंगे साहब? ना हम भागने देंगे ना छुपने देंगे, क्योंकि हवाले आपको ना भागने देंगे ना छुपने देंगे, हम हवाले दे रहे हैं। हवाले ना भागने देंगे ना छुपने देंगे, यही अच्छी पक्की सही सुथरी दलीलें होती हैं, पुख्ता दलीलें यही होती हैं। हवाला जात के साथ बातचीत की जाए, हवा में बातें नहीं करते हैं। यहां मोहम्मद ने साफ कह दिया है, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ही अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। छुपाने वालों ये क्लियर है, मोहम्मद का बाप अब्दुल मुत्तलिब है, थोड़ा सा दादा भी है। हम और अब्दुल मुत्तलिब आमना का खामंद भी है, थोड़ा सा सुसर भी है, ज्यादा खामंद है। ऐसे ही बाकी रिश्ते भी सब चेंज कर दिए अब्दुल मुत्तलिब ने। मोहम्मद के बयान के ऊपर सारे रिश्ते अब चेंज हो गए हैं। मैं ही अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, मोहम्मद का बयान है। दोस्त भाई मुस्लिम्स, कब तक आप डावांडोर रहेंगे? झूठ आपको जीने नहीं देगा। हां, अगर आप सोचते हैं कि आप जी रहे हैं, सलामत हैं, आपके जमीर से ये आवाज जरूर आती होगी, सच इंतजार कर रहा है, आप सच को मसख करना चाहते हैं। सच की जात मसख नहीं होगी, आप आते जाएंगे, झूठ अपनाते जाएंगे, सच को मसख करने की कोशिश करेंगे, सच मसख नहीं होगा, आप मसख होते जाएंगे। मशक भी होंगे और आग के अलाव के लिए तैयार आपको रहना पड़ेगा, जो दायमी अलाव होगा, दहकते कोयले आपका इंतजार कर रहे हैं। झूठ बोलना आपकी खुशी में शामिल है, झूठ की तमन्नाओं से निकल आए। यीशु मसीह या उसके लोग आपका इंतजार करते हैं। दोस्त, प्यार करने वाले लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। दोस्त, कब तक आप यीशु मसीह की बेइज्जती करते रहोगे? कब तक उसे परेशान करते रहोगे? कब तक उसे सताते रहोगे? कब तक उसके लोगों को कत्ल करते रहोगे? कब तक उसके लोगों को जलाते रहोगे? वक्त करीब आ रहा है तुम्हारा, खमियाजा भुगतना पड़ेगा, अभी वक्त है। यीशु के पास आए, सजदे में गिर जाएं और उसको कहें, खुदावंद खुदा मुझे कबूल कर ले, अपने चरणों में आज मुझे कबूल कर ले, मैं जिंदगी की भीख तुझसे मांगता हूं, ताकि रूहुल कुद्दस का मासा मुझ पर आ जाए। खुदावंद आपको वो मसा बख्शेगा, खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।